नौजवानों के दिलों की धड़कन जनाब इमरान प्रताप गढ़ी को मैं उन्हीं के इन चार मिसरों के साथ बुलाना चाहूँगा कि जिंदगी के नाम पर जान से गुजरता कौन है, जिंदगी के नाम पर जान से गुजरता कौन है, मौत की बातें तो सब करते हैं मरता कौन है। तेरे लश्कर के मुकाबिल में अकेला हूँ मगर, तेरे लश्कर के मुकाबिल में अकेला हूँ मगर, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। इमरान प्रताप गढ़ी आपकी समातों के हवाले। अभी अभी दिल्ली से लौटकर सीधा भिवंडी आ रहा हूँ। शुक्रिया इमरान साहब। एक माँ से मिल के आ रहा हूँ जो दिल्ली से कह रही है कि मेरा लाल कहाँ है, मेरा बेटा नजीब कहाँ है। नजीब जो JNU में पढ़ता था, जिसे 12 लोग मिलकर पीटते हैं और पीटते पीटते कहते हैं कैसे 72 हूरों के पास भेज दिया जाए। सोचिए साहब, नफरतें कहाँ आ गई है। प्रधानमंत्री निवास से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर मुल्क की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से नजीब नाम का लड़का गायब है। FIR तक नहीं हो रही है साहब। कोई उसकी माँ का पुरसान हाल नहीं, कोई उसकी फरियाद सुनने तैयार नहीं। बहुत बुरा वक्त आ गया है साहब। मैं बहुत ही छोटी सी नज्म पढ़ता हूँ, इसी नज्म को सुनाने के लिए मैं आपका जहन मनाना चाह रहा था। मैं नज्म पढ़ता हूँ साहब। सुना था के बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाई। तो लगता है गूंगी है बहरी से मिलकर। आज भी आने का बिल्कुल मन नहीं था मेरा, लेकिन शब्बीर सर के बहुत जीत और इसरार करने पर मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। मैं बंद पढ़ता हूँ सर। के उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आ हैं, सारे एंकर्स के घर हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलवा कर रहूंगा। मेरा मन करता है कि उनके घर के बाहर जाऊं और चीख चीख कर कहूं।
हूँ प्रधानमंत्री साहब, अगर मुस्लिम महिलाओं को अपनी बहन मानते हो और उनका हक दिलाना चाहते हो तो नजीब की अम्मी को अपनी बहन मान लीजिए और ला दीजिए वापस उनके लाले को। मैं आखिरी बन पढ़ता हूँ। व्हाइट कैटेगरी के सिक्के लेकर अपने न्यूज रूम में नाक और नागिन की खबरें चलाने वाले न्यूज एंकर्स ने चंद किलोमीटर की दूरी पर रोती बिलपती एक मां नजर नहीं आ रही है। कैसा मुल्क बना रहे हो साहब, कैसा हिंदुस्तान बना रहे हो। मैं आखिरी बन पढ़ता हूँ। ये टीवी कैंकर कहाँ मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहेब से नहीं तो ये भारत था खुशहाल।